Hi guys, welcome back to the lecture series on class 12 chapter 11 biotechnology principles and processes. And the topic aaj hum aapko padhane wale hain that are the processes of rDNA technology. rDNA technology mein abhi tak, this is as you can see, this is my fifth lecture today. इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आपको इंट्रोडक्शन इनटू बायोटेक्नोलॉजी लाइक बायोटेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हुआ, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर द मेजर टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट इज द यू नो वेक्टर्स, क्लोनिंग वेक्टर्स, द एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो सारी मेजर टेक्निक्स मैंने बता दिए. आज के लेक्चर में हम आपको क्या बताएंगे, आज और अपना जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, ये द एंटायर प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली दो सीरीज में चलेगा, दो पार्ट्स में चलेगा. आज मैं पार्ट वन बता रही हूं जिसमें मैं हाफ द प्रोसेसेस बताऊंगी, दैट इज आइसोलेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड पीसीआर, एंड बचे हुए जो स्टेप्स हैं वो आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी. बेसिकली अब है क्या, हमें ये पता चल गया कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, हमें ये पता चल गया व्हाट आर द मेजर टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अब हम सारे प्रोसेस को कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, कैसे उसे होस्ट में डाला जाता है, कैसे उसे होस्ट में मल्टीप्लाई किया जाता है, एंड उससे हमारा जो यू नो जीन प्रोडक्ट है उसको कैसे बनाया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, मार्केटिंग किया जाता है, ये सारे स्टेप्स हम सीक्वेंशियली पढ़ेंगे. मैं आपको बता दूं, आपके एनसीईआरटी में सारे स्टेप्स दिए हुए हैं. मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल उसमें इंसर्ट कर रही हूं ताकि आपको बातें अच्छे से पता लगे. देखिए मैं जो भी बता रही हूं, एक आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, जस्ट फर्स्ट सी दिस डायग्राम एंड देन यू विल अंडरस्टैंड. ये डायग्राम में बेसिकली ऑल द स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को एट अ ग्लांस दिखाने की कोशिश की गई है. तो जब भी आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं तो पहले सबसे पहले क्या चाहिए, आपको एक फॉरेन डीएनए चाहिए. यहां पर समझाने के लिए मैं फॉरेन डीएनए में हमेशा नहीं करूंगी ह्यूमन डीएनए, ठीक है, मैं ह्यूमन डीएनए हमें का मैं कहूंगी. ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, मैं कहूंगी ताकि आपको समझने में आसान हो. वैसे आपको एक वेक्टर डीएनए चाहिएगा, सपोज ये वेक्टर डीएनए आपने ई कोलाई बैक्टीरिया से लिया है, सपोज आई एम सेइंग दैट, ठीक है. उसके बाद आप इस डीएनए में से एक पर्टिकुलर जीन को मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, सपोज दैट पर्टिकुलर जीन जिसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं दैट इज योर इंसुलिन का जीन. आप चाहते हैं कि इंसुलिन के जीन को हम मल्टीप्लाई करें, किसमें, वेक्टर में. हमारा वेक्टर यहाँ पर कौन है, क्या बोलते हैं, ई कोलाई का प्लाज्मिड, फिर इसको हम होस्ट में डालेंगे यानी कि एक और बैक्टीरिया में डालेंगे. हमारे इंसुलिन जीन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इंसुलिन जीन को एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस करने के बाद बैक्टीरिया को मारेंगे, उसमें से इंसुलिन निकालेंगे, उसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे और मार्केटिंग करेंगे ताकि उसको ह्यूमन बीइंग्स, डायबिटिक ह्यूमन बीइंग्स इस्तेमाल कर सके. वही आपका बायोटेक्नोलॉजी का एम होता है, टू मेक प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस व्हिच इज बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, टू प्रोड्यूस इट इन सो लार्ज नंबर दैट इट कैन बी वेरी चीप. अगर चीप होगा तभी उसको आम आदमी भी इस्तेमाल कर सकेगा. याद रखना, किसी भी चीज को चीप करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसको लार्ज क्वांटिटी में बनाइए. आप जैसे ही लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं द प्रोडक्ट बिकम्स वेरी चीप. एंड बायोटेक्नोलॉजी का यही एम है कि हम जो हमारा जीन हमने आइसोलेट किया उसके बहुत लैक्स एंड लैक्स में कॉपी बनाए, उसके जीन के प्रोडक्ट को लैक्स में बनाए ताकि हमारा कॉस्ट कम हो जाए, इट बिकम्स अ चीपर प्रोडक्ट सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज बाय एवरीवन. तो मैं आपको बता रही हूं, मैं आपको किस एग्जाम्पल से समझाऊंगी. सबसे पहले एक आपके आपके एनसीईआरटी में कहता है वी टेक अ फॉरेन डीएनए. मैं यहाँ पर फॉरेन डीएनए को आपको हमेशा ह्यूमन डीएनए से रेफर करूंगी. Then I will require a vector DNA, जो हम लोग समझो E. coli bacteria को के plasmid को लेंगे. Then I will want to cut my DNA with the help of restriction enzyme and same restriction enzyme से हम vector को काटेंगे ताकि दोनों के end कैसे बने, sticky end बने. फिर हम इसको बाद काटने के बाद हम इसको ligate कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे. ligate करने के बाद इसको हम transform करेंगे into another bacteria, not the original one. आप बोलोगे मैम यहाँ पर भी E. coli लिखा है, यहाँ भी E. coli लिखा है, हो सकता है ये E. coli का दूसरा स्ट्रेन हो. से दिस स्ट्रेन इज से RY13 एंड मे बी दिस स्ट्रेन इज RY14. हमने लेकिन कभी भी सेम बैक्टीरिया में नहीं डालते, एक दूसरे हम बैक्टीरिया के वराइटी में डालते, ठीक.
अब जैसे हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें डाल दिया, हम चाहेंगे कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करे ताकि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आपका मल्टीप्लाई करता चला जाए। एक बार ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, अब इस जीन को हम बैक्टीरिया में एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस करने के बाद कौन सा जीन हमने यहाँ पर लिया है, इंसुलिन के जीन। तो हम जब एक्सप्रेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमारा इंसुलिन प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, ये इंसुलिन प्रोटीन मिलेगा। अब इस इंसुलिन प्रोटीन को हम बैक्टीरिया में से बाहर निकालेंगे, वी विल आइसोलेट इट, प्योरीफाई इट, इसको प्योरीफाई करेंगे। एंड जब ये बन जाएगा लार्ज स्केल में तो इसकी हम मार्केटिंग करेंगे ताकि ह्यूमन बींग्स कैन यूज इट फॉर देयर ओन बेनिफिट। ये जितने भी स्टेप्स होते हैं, ये सारे स्टेप को अब हम सीक्वेंशियली आपको बताएंगे। मैं एक और डायग्राम दिखा रही हूँ टू एक्सप्लेन यू द एंटायर प्रोसेस। इसको हम लोग सीक्वेंशियली पढ़ेंगे कि कैसे। एक एग्जाम्पल लेकर चलिए कि ह्यूमन बीइंग में बहुत लोग डायबिटिक होते हैं, डायबिटिक होने की वजह से उनका इंसुलिन जीन खराब है, उनमें इंसुलिन प्रोटीन नहीं बनती। तो हमने एक हेल्दी आदमी के इंसुलिन जीन को लेकर हम चाहते हैं बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई करें, बैक्टीरिया में उसको एक्सप्रेस करें और आर्टिफिशियली ह्यूमन इंसुलिन को लार्ज क्वांटिटी में बनाएं ताकि उसको मार्केट कर सके एंड डायबिटिक पेशेंट उस ह्यूमन इंसुलिन को इंजेक्शन से लेकर अपने इंसुलिन की भरपाई यानी कि कंपनसेशन कर सके। सी, सो व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द मेजर स्टेप्स, क्या हमें करना पड़ता है। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ये देखिए ह्यूमन सेल है, यहाँ पर ये ह्यूमन सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपका क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम डीएनए का बना है जिसमें हमें यू नो एक स्पेसिफिक जीन को काट के निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें क्रोमोसोम बाहर निकालना है, राइट। तो हम क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम देखिए अंदर है, द क्रोमोसोम इज फाउंड विद इन द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज फाउंड विद इन द सेल। तो सबसे पहले आपको सेल तोड़ना है, न्यूक्लियस तोड़ना है ताकि आप डीएनए या क्रोमोसोम जो जेनेटिक मटीरियल है उसको निकाल सके। सिमिलरली आपका जो वेक्टर डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर है, सो यू नीड टू ब्रेक द बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया में तो सेल वॉल भी होता है, राइट। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको तोड़ना है, तब तक ये बैक्टीरिया का सेल टूटेगा नहीं, उसका डिजायर्ड डीएनए आपका भी डिजायर्ड क्रोमोसोम आपका बाहर नहीं आएगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। दैट मींस द फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक द ह्यूमन सेल membrane, to break the nuclear membrane and take out the human chromosome. Secondly, to break the bacterial cell wall, the plasma membrane and take out its own chromosome. Once you have taken out your DNA, that DNA needs to be fragmented. आपको इसके टुकड़े करने हैं क्योंकि आपको पूरे का पूरा डीएनए यानी कि पूरा का पूरा यू नो जेनेटिक मटेरियल नहीं चाहिए, आपको इसमें केवल एक स्पेसिफिक जीन चाहिए, दैट इज द इंसुलिन का जीन। तो इसलिए आपको इसको काटना होगा। So the next step is, as you can see, the next step is fragmentation of the DNA by restriction enzyme. आपको पता है आप इसको fragment करते हैं by using an enzyme called as restriction enzyme. Same restriction enzyme से आप vector DNA को काटेंगे ताकि दोनों के ends आपके sticky बन सकें. Is that clear? तो इस तरह से आपने अपने insulin gene को restriction enzyme से काट के अच्छा आप निकालेंगे। उसके बाद आपको इस डीएनए को सेपरेट करना है बाई एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ताकि आप अपने डिजायर्ड डीएनए को आइडेंटिफाई कर सके और आइडेंटिफाई करके उसको सेपरेट कर सके बाई इल्यूशन, उसको बाहर निकाल सके बाई प्रोसेस कॉल्ड एज इल्यूशन। ये सब पढ़ चुके, ठीक। हम उसको केवल क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, यू कैन सी इट, द फर्स्ट स्टेप वॉज ब्रेकिंग ऑफ द सेल, सेकेंड वॉज cutting the DNA with the help of restriction enzyme, third was isolation, you know, of these desired DNA fragment with the help of agarose gel electrophoresis. Agarose gel electrophoresis से सारे DNA को अलग करके अपने desired DNA को आप अलग करेंगे। Similarly, यहाँ vector को भी हम लोग separate करके लाएंगे। Once you have done it, then you need to join the two. ये आपका इंसुलिन जीन है, आपको इसको वेक्टर के साथ जोड़ना है ताकि आपका आर डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन सके। थर्ड एंड फोर्थ स्टेप के बीच में एक और चीज होगा, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जो हमने जीन बनाया, एक देखिए एक इंसुलिन जीन हमने बाहर निकाला, ये इंसुलिन जीन के मल्टीपल कॉपीज हम बनाकर रख लेंगे, राइट। मल्टीपल कॉपीज हम बनाकर रखेंगे। सिमिलरली ये जो हमने वेक्टर बनाया, इसके हम मल्टीपल कॉपीज बनाकर रखेंगे सो दैट
एवरी टाइम आई नीड अ ह्यूमन जीन, हमको ह्यूमन बींग के सेल से निकालने की जरूरत नहीं है, हमारा इंसुलिन जीन हमने यू नो सेल निकाला, सेल में से क्रोमोसोम निकाला, क्रोमोसोम में से इंसुलिन जीन निकाला, अब इतना प्रोसेस हमें बार बार नहीं करना पड़े, तो हम इस इंसुलिन जीन के मल्टीपल कॉपीज बनाकर रखेंगे, ये एक नया टॉपिक आप पढ़ेंगे, वी विल मेक मल्टीपल कॉपीज विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। एक बार हमने इसकी मल्टीपल कॉपीज बना लिए, हम यहाँ पर हमारे डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़कर, मैंने आपको बताया आरडीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट करेंगे, देन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट सेल। सी ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द होस्ट सेल, देन द होस्ट सेल विल बी मल्टीप्लाइड, वी विल कल्चर द होस्ट सेल इन बायो रिएक्टर। कल्चरिंग क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ, अरे भाई कल्चर मीडियम में जब बैक्टीरिया को डालेंगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। दिस प्रोसेस बाय विच द बैक्टीरियल सेल मेक्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इन कल्चर मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज कल्चरिंग। इसकी कल्चरिंग करेंगे, कल्चर करने के बाद यानी कि आपकी डीएनए बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तो आपका जीन भी मल्टीप्लाई कर जाएगा, बट आप तो जीन में इंटरेस्टेड नहीं, आप तो जीन प्रोडक्ट इंसुलिन में, तो आप इस जीन को आप एक्सप्रेस करेंगे इन बैक्टीरिया, तो देखिए यहाँ पर आपका इंसुलिन प्रोटीन बना, एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट, फिर इस बैक्टीरिया को मारकर आप अपने डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट यानी कि इंसुलिन को आइसोलेट करेंगे। सो लेट अस सी ऑल द स्टेप्स वंस अगेन, थोड़ा सा क्लियरली एक बार हम इस स्टेप को फिर से देखें। पहला हमारा स्टेप है कि हमें सेल को तोड़ना है, मेरा अगर ह्यूमन सेल है तो ह्यूमन में तो सेल वॉल होता नहीं है, तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़े ताकि आपका क्रोमोसोम बाहर आ सके। इफ इट इज अ बैक्टीरियल सेल, अच्छा आपको साथ में वेक्टर चाहिए, तो यू हैव टू ब्रेक द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो दैट द वेक्टर डीएनए कम्स आउट, राइट। नाउ वी विल ब्रेक इट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकंड इज फ्रेगमेंटेशन, फिर इस हमारे ह्यूमन डीएनए के हम टुकड़े करेंगे ताकि हमारा डिजायर्ड जीन इंसुलिन जीन अलग हो सके। सिमिलरली हम वेक्टर को भी तोड़ेंगे ताकि हमारा जीन उसपे लाइगेट हो सके। सो द सेकेंड स्टेप इज फ्रेगमेंटेशन, थर्ड इज आइसोलेशन, उसके बाद इन टुकड़ों को हम अलग अलग करेंगे ताकि हम अपने डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई कर सके। सो द थर्ड स्टेप इज आइसोलेशन, फिर हम अपने डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ ऐसे देखिए जोड़ेंगे सो दैट हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन सके। सो लाइगेशन, उसके बाद इसको हम ट्रांसफर करेंगे इंटू अ होस्ट सेल, फिर इस होस्ट सेल की हम कल्चरिंग करेंगे ताकि उसके मल्टीपल कॉपीज बन सके, फिर उसमें हम अपने डिजायर्ड जीन को एक्सप्रेस कराएंगे एंड एक्सप्रेस करने के बाद प्यूरिफाई करेंगे ताकि हम उसकी मार्केटिंग कर सके। यहाँ एक स्टेप मैंने यहाँ पर ऐड किया है, ये जो हमने अपने डीएनए के टुकड़ा यू नो आइसोलेट किया, इंसुलिन के जीन को आइसोलेट किया, इसकी हम मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे एंड द प्रोसेस बाय विच वी विल मेक द मल्टीपल कॉपीज दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पीसीआर। इसको हम पीसीआर से इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। So now that you know all the steps, let us move one by one. एक और हम आपको दिखा दें। So the first step is how to break the cell open, how to break the nuclear membrane and take out the desired DNA. That is your step one. आपको पता है DNA is contained within the cell, so it has to be isolated and purified for the action of restriction enzyme. How do you do it? Simple सी बात है। इन दोज ऑर्गेनिजम्स जहां पर आउटर मोस्ट लेयर इज द सेल वॉल, ठीक है, इन दोज ऑर्गेनिज्म जहां आउटर मोस्ट लेयर इज द सेल वॉल, पहले सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा, तब हम लोग तोड़ेंगे किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और अगर उस सेल में न्यूक्लियस है उसके बाद हम ब्रेक करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, तब जाकर हमारा क्रोमोसोम बाहर आएगा यानी कि डीएनए बाहर आएगा। तो अगर हमको सबसे पहले सेल वॉल तोड़ना है तो या तो ये सेल वॉल पाया जाएगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, ठीक है, और अगर आप फंजाई यूज कर रहे हैं तो फंजाई का भी सेल वॉल होता है, और अगर आप प्लांट्स यूज कर रहे हैं तो प्लांट्स में भी सेल वॉल होता है ना, तीनों के सेल वॉल का कॉम्पोजिशन अलग है, सो अलग एंजाइम हम लोग यूज करेंगे। वी नो दैट बैक्टीरिया का सेल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म पेप्टिडोग्लाइकन, वी नो दैट द फंजाई का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, एंड वी नो दैट द प्लांट का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। So, इन तीनों सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम तीन अलग एंजाइम लेते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन को तोड़ने के लिए हम यूज करते हैं एंजाइम लाइसोजाइम, ठीक, वी यूज लाइसोजाइम। काइटिन को ब्रेक करने के लिए वी यूज एंजाइम काइटिनेज, राइट,
use enzyme chitinase and cellulose to break करने के लिए. ये आपका cellulose and pectin plant में बना होता है of cellulose and pectin. तो cellulose and pectin के cell wall को तोड़ने के लिए we use enzyme cellulase and pectinase. आपको पता है किसी भी enzyme में अगर last में ase लगा हुआ है that is breaking enzyme. Pectinase means pectin तोड़ने वाला enzyme. Cellulase means cellulose तोड़ने वाला enzyme. So these are the enzymes we do use to break the cell wall. अलग अलग organism का cell wall का composition अलग अलग है, so अलग enzyme use होता है. DNA, first we treat the cell with lysozyme. If it is a bacterial cell, we treat it with cellulase and pectinase. If it is a plant cell and chitinase. If the cell is made, if it is a fungal cell, just see the diagram here. ये आपका सेल है, सेल का ये यू नो दिस इज द सेल वॉल. इसको हमें तोड़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ना है. सबसे पहले सेल वॉल को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया में हम यूज करेंगे लाइसोजाइम, काइटिनेज करेंगे फंजाई में, सेलुलेज एंड पेक्टिनेज हम यूज करेंगे प्लांट्स में. राइट, सो विद दैट हमारा जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज सेल वॉल, इट हैज बीन ब्रोकन. अब सेल वॉल के बाद हमें क्या ब्रेक करना है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए हम करते क्या है, इस सेल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं. आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड नहीं है, सेल वॉल तो रिजिड था तो उसको एंजाइम से हमने तोड़ा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन का बना है, सॉफ्ट है, तो इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे. सेंट्रीफ्यूगेशन का हम पहले भी आपको बता चुके, मतलब टू यू नो रोटेट अ सेल एट वेरी हाई स्पीड. तो मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें सेल डाला. ठीक, एनिमल सेल में तो केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है, तो एनिमल सेल एंड प्लांट बैक्टीरिया एंड फंजाई सेल जिसका सेल वॉल टूट चुका है उसको हम डालेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब को जोर से घुमाएंगे जस्ट लाइक अ मिक्सी. आपको पता है मैं बार बार कहती हूँ कि सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन इज एक्चुअली अ मिक्सी. घर पे जो मिक्सी जिसमें आप यू नो सब्जी वगैरह को या यू नो दाल वगैरह को पीसते हैं, मिक्सी, उस मिक्सी में जब आप जोर से ब्लेड घुमाते हैं तो अंदर में चीजें टूट जाती है. सिमिलरली हम ब्लेड नहीं यूज करते, लेकिन यहाँ टेस्ट ट्यूब है. देखिए, सी दिस इज द टेस्ट ट्यूब, इसमें हमने सेल को डाला, दिस इज माय टेस्ट ट्यूब एंड दिस इज द सेंट्रीफ्यूज मशीन. आप जैसे ही सेंट्रीफ्यूज मशीन में टेस्ट ट्यूब डालते तो स्पीड से वो टेस्ट ट्यूब ऐसे हो जाता है. ये टेस्ट ट्यूब ऐसे था, इसके आपने आप डाला, जब आप घुमाने लगते तो ऐसे हो जाता है एंड ये ऐसे 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 जोर से घूमता है. यू कैन सी दैट, जब ये घूमेगा तो अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वीक मेम्ब्रेन है सेल का, वो आपका क्या होगा, प्रेशर में फट जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फट जाएगा. सो वंस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल ब्रेक, सी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल ब्रेक, व्हाट विल हैपन, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल ऑल्सो ब्रेक. सो व्हाट विल हैपन, योर क्रोमोजोम एंड हेंस योर डीएनए विल बी, द क्रोमोजोम नॉट डीएनए एग्जैक्टली, द क्रोमोजोम विल बी आइसोलेटेड. ठीक है, so the next step is isolation. The treated cell is homogenized. Treated cell के हम टुकड़े टुकड़े कर देते, पूरा फाड़ देते, चीर फाड़ कर देते, क्योंकि एक बार आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गया, तो सारा सेल होमोजेनाइज एक जैसा हो गया, मिक्सचर बन गया. ठीक है, होमोजेनाइज एंड सेंट्रीफ्यूज टू रप्चर द न्यूक्लियर एनवेलोप. तो आप उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यू हैव पुट योर सेल्स इन दिस टेस्ट ट्यूब, देन दिस टेस्ट ट्यूब में जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे ये टेस्ट ट्यूब ऐसे खड़ा हो जाएगा, फिर ये जोर से घूमेगा, घूमने से क्या होगा, दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल ब्रेक, सॉरी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल ब्रेक. सेल वॉल ऑलरेडी टूट चुका है तो इट विल जस्ट बी अ मास ऑफ साइटोप्लाज्म जिसमें आपके डीएनए सस्पेंडेड होंगे. Right, so this is how you break the cell wall, the plasma membrane, and isolate the DNA. ठीक, now once the DNA has been isolated, अब problem क्या? Problem ये है कि आपका एक test tube है जो homogenized हो चुका है. Homogenized मतलब आपने एक test tube लिया, आप actually stepwise करते हैं. Say this was a plant cell. ठीक है, इसके अंदर आपके plant cell था. तो पहले तो plant cell का cell wall तोड़ना है. तो आपने मीडियम थोड़ा बहुत, और आपने इसमें सबसे पहले क्या किया, आपने एंजाइम यूज किया पेक्टिनेज एंड सेलुलेज. ठीक है, आपने यूज किया पेक्टिनेज एंड सेलुलेज, इसकी वजह से क्या हुआ, आपका सेल वॉल टूट गया. ये जो सेल वॉल टूटा इसके टुकड़े यही लिक्विड में रह गए. अब इसके अंदर में यहां पर क्या है, यू हैव योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड यू हैव योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसको तोड़ने के लिए आपने इसको सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज किया तो ये मेम्ब्रेन भी यहाँ पर टूट गया. ठीक है, और इसके अंदर जो आपका क्रोमोसोम है जिसको आई एम शोइंग इट विद द ग्रीन कलर,
ठीक है, ये क्रोमोसोम आपका आइसोलेट हो गया, सी यहाँ पे मैंने बनाया. सो अल्टीमेटली क्या हो गया, जस्ट लुक एट इट नाउ, इट हैज बिकम दिस टेस्ट ट्यूब. अगर आप देखोगे दिस टेस्ट ट्यूब कंटेन्स एवरीथिंग, टूटा हुआ सेल वॉल का टुकड़ा, टूटा हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टुकड़ा, और इस सेल में से निकला हुआ डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो आपको 46 क्रोमोसोम है, ये सारे क्रोमोसोम सब इस टेस्ट ट्यूब में मिक्स हो गए, होमोजेनाइज हो गए. इसमें से हमें केवल क्या चीज की जरूरत है, हमें अपने क्रोमोसोम में भी डीएनए की जरूरत है. कहने का मतलब क्या है, यू नो इट वेरी वेल, ये आपका ऐसे मिक्सचर बन गया, यू नो इट वेरी वेल दैट द क्रोमोसोम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड प्रोटीन. आपको इसमें से क्रोमोसोम में से केवल क्या चीज की जरूरत है, यू नीड ओनली द डीएनए. तो अब ये जो क्रोमोसोम है ग्रीन कलर का, आपको इसमें से आरएनए हटाना है, तो यू यूज एन एंजाइम आरएनएज, ठीक है, आरएनए को तोड़ने वाला एंजाइम है आरएनएज. जैसे आप आरएनएज यूज करेंगे तो इस क्रोमोसोम में से आरएनए टूट के अलग हो जाएगा. आई डोंट हैव अनदर कलर, तो मैं ब्लू कलर से ऐसे ग्राउंड ग्राउंड बना रही हूं आरएनए को, ठीक है. सो द आरएनए गेट सेपरेटेड. अब इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया प्रोटीन. इस प्रोटीन को हटाने के लिए आप यहां पर एंजाइम लेंगे प्रोटीनेज, राइट. सो नाउ इस क्रोमोसोम को आप ट्रीट करेंगे विद एंजाइम प्रोटीनेज, जिसकी वजह से इस क्रोमोसोम का प्रोटीन पार्ट भी निकलकर अलग हो जाएगा. सो वंस द प्रोटीन हैज बीन रिमूव्ड, द आरएनए हैज बीन रिमूव्ड, अब आपका केवल क्या बच गया, या आपके ये आइसोलेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स बच गए. लेकिन इस पूरे कचरा पट्टी में से है, किसमें, ये एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में है जहां बहुत कचरा है. कचरा क्या है, टूटा हुआ सेल वॉल भी पड़ा हुआ है, टूटा हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पड़ा हुआ है, टूटा हुआ आरएनए भी पड़ा हुआ है, टूटा हुआ प्रोटीन भी पड़ा है, और उसी में बेचारा डीएनए मेरा तैर रहा है. आपको उस सारे कचरे में से केवल डीएनए को बाहर निकालना है, क्योंकि बाद में आप डीएनए के टुकड़े करके अपने डिजायर जीन को निकालेंगे. इसको आप कैसे निकालते हैं, आप करते क्या है, इस मीडियम में, नाउ लुक एट दिस, आई एम रिमूविंग दिस, इसमें आप सबसे पहले चिल्ड अल्कोहल डालते हैं. व्हाट डू यू पुट हियर, यू विल पुट चिल्ड अल्कोहल, इथेनॉल, ठीक है, चिल्ड अल्कोहल डालते हैं. चिल्ड अल्कोहल डालने से होता क्या है, जितना भी डीएनए है वो एक जगह प्रेसिपिटेट कर जाता है. मींस व्हाट विल हैपन, जो अब बचा हुआ कचरा पट्टी है वो थोड़ा सेपरेट हो जाएगा. देखिए कचरा पट्टी को मैंने रेड से दिखा रही हूँ, मैं कचरा पट्टी को आपका ब्लू से दिखा रही हूँ, ठीक है. देन ब्लू दिस इज माय आरएनए, दिस इज माय प्रोटीन, ठीक है, ये आपका अलग हो जाएगा बेटा, जस्ट सी दैट, ठीक है. कचरा पट्टी अलग हो जाएगा और जितने डीएनए, वो सारे डीएनए एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा. दिस इज द डीएनए प्रेसिपिटेट, इसमें डीएनए प्रेसिपिटेट कर जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है, दैट मींस डीएनए इस पूरे लिक्विड में से, ऐसे देखो यहाँ पर, यहाँ प्रेसिपिटेटेड डीएनए दिखा रहा है. हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, वी यूज द एंजाइम प्रोटीनेज, इससे प्रोटीन टूट गया. वी यूज द एंजाइम आरएनएज, इससे आरएनए टूट गया, इससे आपके सारे डीएनए अलग हो गए. इस डीएनए में हमने चिल्ड अल्कोहल, देखिए यहाँ लिखा है अल्कोहल को डाला, अल्कोहल डालने से प्रोटीन एंड आरएनए नीचे बैठ गया, डीएनए आपका ऊपर में प्रेसिपिटेट कर गया. एनसीईआरटी में क्लियर का डायग्राम दिखा रहा है. इस प्रेसिपिटेटेड डीएनए को, ये जो डीएनए प्रेसिपिटेट कर गया, इसको हम बाहर निकालते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्पूलिंग, ठीक है. इसको हम सेपरेट करते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पूलिंग. करते क्या है, एक हम लोग ऐसा कर्व्ड, है ना, एक कर्व्ड एक वायर लेते हैं, एक ऐसा कर्व्ड वायर लेंगे. सो आई विल ड्रॉ इट विद रेड कलर, ठीक है, और लेट मी मेक इट विद ब्लू कलर, ऐसा कर्व, एंड देन ये डीएनए उसके ऊपर लपेट जाएगा और बाहर निकाल लेंगे. आई विल गिव एन एग्जांपल, आप जब चाउमीन खाते तो आप प्लेट में क्या करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ चाउमीन, यू टेक अ फोर्क, काटा लेते हैं, यू पुट इट एंड यू मूव द काटा लाइक दिस, उसके चारों तरफ, तो सारा चाउमीन उसके अंदर क्या ऐसे गोल गोल होकर फंस जाता है. देन यू पिक, व्हेन यू पिक अप द नूडल्स, वो नूडल लटकते नहीं है. दैट इज द कॉमन एटिकेट ऑफ हैविंग चाउमीन और नूडल्स. पुट द फोर्क, मूव द फोक को ऐसे गोल 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 घुमाइए, सारा नूडल्स उस पर लपेट जाएगा. फिर जब फोक उठाएंगे तो उसमें काफी नूडल्स आपका लटका हुआ, मतलब यू नो रैप्ड होगा एंड लटक नहीं होगा, लटक नहीं रहा होगा, सो दैट यू कैन ईट इट इजली. सिमिलरली हम यहाँ स्पूल को लेकर ऐसे घुमाते हैं तो डीएनए इसमें लपेट जाता है. फिर हम इसको जब बाहर निकालते हैं तो इसके चारों तरफ लपेटा हुआ डीएनए आपका बाहर आ जाता है. दिस इज माई डीएनए,
इसके चादर लपेटा हुआ बाहर आ जाता है और इसे हम सेपरेट कर लेते हैं इन अ सेपरेट सिस्टम और अ पेट्री डिश. सो लुक एट दिस, आपके यहाँ पर सारे चीज डायग्राम में दिख रहा है. वी आर एक्चुअली स्पूलिंग, ये इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, डीएनए उसमें ऐसे रैप हो जाता है एंड देन दिस डीएनए इज एक्चुअली सेपरेटेड और रिमूव बाय प्रोसेस कॉल्ड एज स्पूलिंग. ठीक है, तो फाइनली हमने अपना डीएनए अलग कर लिया. तो एक बार पूरे स्टेप को देख ले. सबसे पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम और क्रोमोसोम बना हुआ है डीएनए आरएनए प्रोटीन. हमें केवल क्रोमोसोम का डीएनए चाहिए. सबसे पहले सेल को तोड़ना है. वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल है, सेल वॉल को तोड़ा जाएगा बाय डिफरेंट एंजाइम, बैक्टीरिया में लाइसोजाइम, प्लांट में सेलुलेज एंड पेक्टिनेज, फंजाई में काइटिनेज. अब बचा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको तोड़ा जाएगा बाय प्रोसेस कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन. फाइनली आपका क्या बाहर निकल गया, क्रोमोसोम. क्रोमोसोम में से हम अब हटाएंगे यू नो आरएनए को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनएज, प्रोटीन को हटाएंगे बाय प्रोटीनेज. सब चीज टूट जाएगा इसके अंदर एंड आपका डीएनए इस तरह से अलग हो जाएगा. अब इस डीएनए को हमको बाहर निकालना है इस पूरे यू नो मिक्सचर से. कैसे निकालेंगे, इसमें हम चिल्ड अल्कोहल डालेंगे तो डीएनए प्रेसिपिटेट कर जाएगा. फिर एक कर्व्ड यू नो वायर के मदद से हम उसे घुमाएंगे और उसको बाहर निकालेंगे बाय प्रोसेस कॉल्ड एज स्पूलिंग. फाइनली हमारा डीएनए आइसोलेट हो गया. व्हाई इज द डीएनए और द जेनेटिक मटेरियल हैज बीन आइसोलेटेड, आवर स्टेप वन इज डन. अब हमें करना क्या है, अपने डीएनए को काटना है. ठीक है, ताकि उसमें से हमारा डिजायर्ड जीन, हम कौन सा जीन का बात कर रहे हैं बार बार, हमारा पूरा डीएनए निकल गया. अब इसे क्या काटना है ताकि हमारा डिजायर्ड जीन, जो इस केस में मैं आपको बोल रही हूँ इंसुलिन, द इंसुलिन जीन कैन बी यू नो टेकन आउट. तो डीएनए को काटने को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन. सो नाउ माय नेक्स्ट स्टेप इज फ्रैगमेंटेशन. ठीक है, आपको अच्छे से पता है फ्रैगमेंटेशन इज कैरिड आउट बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच. और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, ये हम आपको पहले भी डिटेल में पढ़ा चुके हैं. So now what will you will do is, this is your DNA which has been isolated, right? And this is the vector DNA जिसमें आप अपने DNA को डालना चाहते हैं. आप इसको treat करेंगे by the same restriction enzyme. इससे आपका you know desired DNA isolate हो जाएगा and vector में sticky ends create हो जाएगा ताकि आप अपने DNA को इसमें insert कर सकें. ठीक, अब ये क्या होता है, आपके NCRT में लिखा है the progress of restriction enzyme is checked through agarose gel electrophoresis. मैंने आपको पढ़ाया था कि आपने अपने DNA के जब टुकड़े किए तो ये सारे टुकड़े आपने तो क्या किया, DNA को टेस्ट ट्यूब में लिया और इस टेस्ट ट्यूब में आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ऐड किया तो आपके DNA के टुकड़े हो गए. अब इन टुकड़ों को आप पहचानेंगे कैसे, अलग कैसे करेंगे, उसमें से अपने डिजायर जीन को पहचानेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे, उसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक पढ़ाया था एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो हम करते क्या है, ये जो हमारा डीएनए है तो बहुत बड़ा डीएनए, राइट, हमने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लिया और हमारे बहुत बड़ा डीएनए है. इसे हमारा क्रोमोसोम वन का पूरा डीएनए हमने निकाला है. क्रोमोसोम वन का डीएनए तो बहुत लंबा डीएनए होगा और हमने यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज उस डीएनए के डाल दिए. अब इसमें हमने डाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके टुकड़े करेगा जिस टुकड़ों में मेरा ये जो डिजायर्ड इंसुलिन जीन है, ये इंसुलिन जीन इसमें से सेपरेट होकर अलग हो जाएगा. ठीक है, मुझे तो केवल इंसुलिन जीन को काटना है, बचे हुए डीएनए को काटने से तो हमको इंटरेस्ट है नहीं. तो एक बार मेरा इंसुलिन जीन इसमें से कट के निकल गया तो हम अब फर्दर कटिंग बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं चाहते. हम नहीं चाहते कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता ही रहे. कहने का मतलब ये है कि हमारा एक बहुत बड़ा कपड़े का पीस है, उसमें से एक पर्टिकुलर हिस्सा मुझे कट काट के निकालना है. तो जब मेरा वो कट गया तो अब बचे हुए कपड़े को काटते रहने में कोई तुक नहीं. वैसे ही जब मेरा डिजायर्ड जीन कट के अलग हो गया तो अब काटते रहने का कोई तुक्का नहीं. तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने का एक अच्छा तरीका क्या है, आप इस टेस्ट ट्यूब को एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उलट दो. ठीक है, एक बार आपने यहां उलट दिया, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से दूर हो गया. अब ये डीएनए जब सेपरेट होना स्टार्ट हो गया तो ऑब्वियसली इसका कटिंग का प्रोसेस अपने आप क्या होगा, रुक जाएगा. एक बार आपने टेस्ट ट्यूब में अपना डीएनए डाला, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, आपने 15-20 मिनट छोड़ा, आपने देखा हाँ आपका इंसुलिन का जीन कट गया है, फर्दर अब काटने से हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम उसको एग्रोस जेल में डाल देंगे. जेल दो चीज करता है, एक तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है एंड सेकेंडली डीएनए के टुकड़ों को अलग कर देता है ताकि स्पेसिफिक जीन को आइडेंटिफाई करके आइसोलेट किया जा सके.
यही आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के प्रोग्रेस को, जो ये डाइजेस्ट कर रहा है आपके डीएनए को, काटता चला जा रहा है, इसको रोकने का एक अच्छा तरीका है, यू यूज एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में द कट डीएनए विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और द एनोड. ठीक. एंड जो बड़े सेगमेंट है फटाफट ये मूव करेंगे. डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड है, हेवी जो बड़े वाले डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो पीछे रह जाएंगे और छोटे आगे रह जाएंगे. इस तरह से डीएनए के फ्रैगमेंट्स आप एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं. बाकी हम आपको एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पहले भी डिटेल में पढ़ा चुके हैं. अब इसको आप देखेंगे कैसे. यू विल यूज अ स्टेन कॉल्ड एज इथीडियम ब्रोमाइड. रिमेंबर, you use a stain called as ethidium bromide and you will pass UV radiation across it. तो ये DNA जो आपके colorless होते हैं ये सारे आपको दिखने लगेंगे. इसमें जो आपका desired DNA है यानी कि desired gene है, आप इसको ऐसे cut out करके बाहर निकालेंगे by a process called as elution. आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था. ठीक. जिसमें आप agarose को गला देंगे and finally आपका gene of interest isolate हो जाएगा. तो यहीं पर एग्रोस को थोड़ा फिर से डिस्क्राइब किया है. द डिजायर्ड जीन आर आइडेंटिफाइड एंड सेपरेटेड. द जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज मेड फॉर द ट्रांसफर इज कॉल्ड एज द पैसेंजर डीएनए. ठीक. ये जो आपने जिस डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है, जैसे ये ह्यूमन डीएनए है. ठीक. ये जो डीएनए जो आपका आइसोलेट हो गया एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद, जिसको आपको वेक्टर में जोड़ना है, इसका दो नाम होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था. इसका एक नाम है, आई राइट इट हियर. ठीक. इस डीएनए का मैंने आपको दो नाम पहले भी बताया था. एक नाम मैंने बताया था पैसेंजर डीएनए. ठीक. और दूसरा मैंने इसको बताया था, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेन डीएनए. तो यहीं पे इसका नाम लिखा हुआ है. इस तरह से आपका पैसेंजर डीएनए आइसोलेट हो गया. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर आल्सो. अब इस वेक्टर को भी आप सेम प्रोसेस से यू नो काटेंगे. पहले आप इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में डालेंगे, फिर एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालेंगे, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक्टिविटी को रोकेगा और इसको सेपरेट करने में मदद करेगा. उसके बाद आप वेक्टर को सेपरेट करेंगे. ठीक. तो जिसमें आप ऐड करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, उसके भी दो नाम है. एक नाम है वेक्टर डीएनए. ठीक है. एक है वेक्टर डीएनए और दूसरा, अगर ये पैसेंजर है तो ये व्हीकल है जिसपे पैसेंजर आपका चढ़ेगा. अगर ये आदमी है तो ये रिक्शा है. ठीक. जिसपे आदमी बैठेगा, वैसे आपका डीएनए पैसेंजर डीएनए है तो वो जिसपे सवारी करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम व्हीकल डीएनए भी कहेंगे. इस तरह से आपने डीएनए को अलग कर लिया. अब आप इनको दोनों को जोड़ेंगे. आपको पता है हाउ यू विल यू नो जॉइन इट. यू विल जॉइन इट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज एंड देन वंस द रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैज बीन मेड यू विल पुट इट इनटू द होस्ट सेल. चलिए इसको हम आपको दिखाते हैं. दस टू टाइप्स ऑफ डीएनए हैज बीन मेड. वन इज योर पैसेंजर डीएनए, दिस इज योर पैसेंजर डीएनए, एंड द अदर इज द व्हीकल डीएनए जिसमें ये पैसेंजर आपका चढ़ेगा. नाउ बोथ ऑफ देम विल बी जॉइंड विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम. यहाँ पर देखिए हमने एंजाइम लिया लाइगेज और ये दोनों जुड़कर आपका क्या बन गया, आपका आर डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका बन गया, आर डीएनए आपका बन गया. राइट. इट इज इंश्योर दैट द व्हीकल डीएनए एंड द वेक्टर डीएनए रिसीव ओनली वन पैसेंजर डीएनए. आपको मैंने पहले भी बोला था कि जो आपका वेक्टर है उसमें एक ही पैसेंजर डीएनए को ऐड किया जाता है, एक से ज्यादा नहीं ऐड किया जाता, क्योंकि नहीं तो वेक्टर का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा एंड प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. The union of plasmid or the vehicle DNA and that of the desired passenger DNA fragment के बाद जो हमारा DNA बनता है, this DNA is called as the recombinant DNA, also called as short में rDNA. So finally आपका rDNA बन गया. ठीक है. वही मैं आपको मैंने आपको NCERT के डायग्राम से इसको समझा दिया. अब इस rDNA को आप क्या करेंगे, this recombinant DNA will be passed into another bacteria which will act as host. ये बैक्टीरिया होस्ट जैसा काम करेगा. पर उससे पहले मैंने आपको बताया था ये जो आपका डीएनए है, दैट मींस ये सो सपोज इंसुलिन का जीन है, कंटेनिंग इंसुलिन जीन, जिसको एक्चुअली आपको वेक्टर में डालना है, जिसको आप पैसेंजर डीएनए कहते हैं. ठीक है. जिसको आप पैसेंजर डीएनए कहते हैं इसकी, एंड ये वेक्टर डीएनए जिसको आप व्हीकल डीएनए भी कहते हैं. तो वी डीएनए मैं लिख रही हूँ, वी फॉर वेक्टर, वी फॉर व्हीकल. इन दोनों की आपको मल्टीपल कॉपीज बनानी है. Right? Before you ligate and you make the recombinant DNA, you need to make its multiple copies.
That process by which you make its multiple copies, that is called as PCR. So next topic हम आपको PCR पढ़ाएंगे, पर उससे पहले a glance at your NCERT diagram. What we have done is, this was the foreign DNA, this was the vector DNA, this is the passenger DNA भी इसको हम कहते हैं, right? इसको सबसे पहले हमने restriction enzyme से काटा, same restriction enzyme से इसको काटा, तो हमारा desired gene ये आपका बाहर आ गया एंड ये आपका वेक्टर कट गया. हमने दोनों को जोड़ा किससे, लाइगेज से जोड़ा. ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा आर डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना. अब हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस में डालेंगे, एक होस्ट में डालेंगे. इस होस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मेरा डिजायर्ड जीन भी मल्टीप्लाई हो जाए एंड बाद में इसको हम इस होस्ट यू नो बैक्टीरिया में मेरे जीन को एक्सप्रेस करेंगे और जीन के प्रोडक्ट को लेंगे. ठीक है, अब हमने यहां तक का स्टेप आपको बता दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तक बता दिया. अब इससे पहले हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, हम अपने यू नो डिजायर्ड डीएनए जिसको हम पैसेंजर डीएनए भी कहते हैं, इस पैसेंजर डीएनए के हम मल्टीपल कॉपीज बना के रख लेंगे एंड इस वेक्टर डीएनए के भी मल्टीपल कॉपीज बनाकर रखेंगे. ठीक, उस प्रोसेस को जिससे हम इसके मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं पीसीआर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर योर बोर्ड एग्जाम ये एंड स्कूल के एग्जाम में ये शॉर्ट नोट में आएगा, इससे मेडिकल में भी एक दो फिक्स क्वेश्चंस आते हैं. ठीक, सो व्हाट वी डू, दिस इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो इंसुलिन जीन है, उसकी आप काफी कॉपीज पहले आप बनाकर रखते हैं. This is called as gene amplification, और इसको हम करते हैं by a technique called as PCR, जिसका full name है polymerase chain reaction. What is polymerase chain reaction? This polymerase chain reaction is actually in vitro synthesis of a copy of DNA segment. मतलब आपको पता है DNA की copy naturally भी cell में होती है, naturally भी एक cell अपने DNA की copy बनाता है. And the process by which the DNA makes its copies, this process is called as replication. You know that. You know that this process is called as replication. So DNA अपनी copy बनाए, ये कोई नई बात नहीं है, वो naturally भी cell के अंदर होता है by a process called as replication. ये same process जो naturally cell के अंदर होता है DNA की copy बनाने के लिए, ये same process को हम artificially lab में करेंगे by using the same process and technique which happens naturally in a living cell. Naturally, living cell के लिए जब हम DNA से DNA की copy बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले enzymes चाहिए होते हैं कुछ, जैसे helicase जो इसको खोलेगा. Second, हमें एक enzyme की जरूरत होती है जिसका नाम है polymerase, right? जो इसकी polymerization करेगा. Then we use an enzyme called as ligase जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट को जोड़ेगा. सो दीज आर सम ऑफ द एंजाइम दैट वी रिक्वायर. फोर्थ, हमें इसे यहाँ पर क्या चाहिए होते हैं, हमें यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स ए टी सी जी काफी चाहिए होते हैं ताकि हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर सके. सो वी यूज यू नो वी नीड डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, सो व्हाट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं भूल रही हूँ, वी रिक्वायर अ प्राइमर. आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन खुद से कभी स्टार्ट नहीं होता, polymerase cannot start, polymerase can just extend. So we require primers. ये जितनी चीजें हमें चाहिए, इसमें से केवल helicase enzyme हम इस्तेमाल नहीं करते. DNA को खोलने के लिए हम helicase enzyme use नहीं करते, हम high temperature use करते हैं. High temperature मतलब आपको पता है कि DNA double stranded है जो hydrogen bond से जुड़ा हुआ है. अगर यहाँ A है तो यहाँ T होगा, यहाँ C है तो G होगा and they are bound to each other by hydrogen bond. तो अगर आप इसको हाई टेम्परेचर पे यू नो ले जाएंगे, सो हाई टेम्परेचर से क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपका टूट जाएगा. ठीक, एंड इस तरह से डीएनए के दोनों फ्रैगमेंट्स अलग हो जाएंगे. सो यहां पर डीएनए के दोनों यू नो स्ट्रैंड्स, नॉट फ्रैगमेंट्स, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने के लिए वी डू नॉट यूज द एंजाइम हेलिकेज, रादर वी हीट इट टू अ हाई टेम्परेचर सो दैट द हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स, डीनेचर्ड हो जाए और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाए. बट इसके अलावा हमें क्या चाहिए, वी नीड एंजाइम पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट यू नो डीएनए पॉलीमरेज, देन वी रिक्वायर एंजाइम लाइगेज, देन वी नीड ऑल द न्यूक्लियोटाइड्स, वी नीड द प्राइमर्स. ये सारी चीजों को हम टेस्ट ट्यूब में आर्टिफिशियली यू नो वी क्रिएट डीएनए रेप्लिकेशन आर्टिफिशियली. तो
तो हम यहाँ पर देखिए हमने टेस्ट ट्यूब में हम प्राइमर्स ले लेते हैं, हम पॉलीमरेज ले लेते हैं, हम सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ले लेते हैं। जब ये सारी चीजें ले लिए तो रेप्लिकेशन वैसे ही होगा जैसे सेल के अंदर होता है, लेकिन इस प्रोसेस को हम आर्टिफिशियली लैब में करते हैं। ठीक, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज इन विट्रो सिंथेसिस। इन विट्रो का आपको मैं पहले भी मतलब बता चुकी हूँ। इन विट्रो मींस इन लैब कंडीशन और इन टेस्ट ट्यूब। इन विवो मींस विद इन नेचुरल बॉडी कंडीशंस, उसको कहते हैं विवो। एंड विट्रो मींस इन टेस्ट ट्यूब इन आर्टिफिशियल लैब कंडीशंस, राइट। हम यहां करते क्या है, पीसीआर में हम इन विट्रो सिंथेसिस करते हैं ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। यहां पर हम प्राइमर्स का इस्तेमाल करते हैं, यू कैन सी हम आर्टिफिशियली प्राइमर्स का इस्तेमाल करते हैं। देन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि जो आपके ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है ना, जैसे ए टी सी जी, ये जितने भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं आर्टिफिशियल प्राइमर्स। प्राइमर्स को हम यहाँ लाते हैं, यहाँ हम न्यूक्लियोटाइड्स को लाते हैं। इसके अलावा हम एक एंजाइम यूज करते हैं। सी हम जो जो चीज कर रहे हैं, आई विल जस्ट सर्कल इट। हमने आपको बताया आप प्राइमर्स लेंगे, आप न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर लाएंगे। इसके अलावा मेन थिंग दैट यू रिक्वायर इज डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं उसका नाम है टैग पॉलीमरेज। ठीक है, टैग पॉलीमरेज। अब आप बोलोगे यहाँ पर एक वर्ड लिखा है दिस पॉलीमरेज इज थर्मोस्टेबल। ठीक है, अब इसको मैं एक बार यहाँ पर बिठाती हूँ आपको समझाने के लिए। व्हाट आई एम टेलिंग इज यू नीड दिस एंजाइम्स आर्टिफिशियली। अब यहाँ पर है क्या आपको बताया, द फर्स्ट स्टेप विल बी सेपरेशन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। एंड ये जो हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं, यू नो वन इज 5 प्राइम 3 प्राइम एंड द अदर इज 3 प्राइम 5 प्राइम, इसको हम सेपरेट कैसे करते हैं, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज हीटिंग। जब हम इसको हीटिंग से सेपरेट करते हैं, वी टेक द टेम्परेचर टू 98 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। वेरी गुड, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए। अब इसमें हमने क्या जोड़ा, हमने यहाँ पर प्राइमर जोड़ दिया। वेरी गुड, अब हमने डीएनए को एक्सटेंड करना है, उसके लिए हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए। हम आर्टिफिशियली ए टी सी जी यहाँ प्रोवाइड करते हैं। अब इसके एक्सटेंशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक एंजाइम पॉलीमरेज। लेकिन 98 डिग्री टेम्परेचर पर, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, तो ऑब्वियसली ये एंजाइम डीनेचर कर जाएगा, ये एंजाइम नॉन फंक्शनल होगा। तो अब हम यहां पर कैसे काम करें, अगर हम टेम्परेचर 98 डिग्री नहीं ले जाते तो डीएनए का स्ट्रैंड अलग नहीं होगा, और अगर हम 98 डिग्री ले जाते हैं तो फिर पॉलीमरेज एंजाइम काम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करता। तो हम लोग ने यहां पर दिमाग क्या लगाया, हमको बताया देयर आर मेनी बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया यू नो दैट, जो हाई टेम्परेचर में भी रहते हैं। ठीक है, आपने क्लास 11 में चैप्टर 2 में पढ़ा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। एंड आर्की बैक्टीरिया हॉट थर्मल स्प्रिंग्स में भी जिंदा रह सकते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है, ऑब्वियसली अगर ये हाई टेम्परेचर पे रहते हैं तो इनके एंजाइम्स भी हाई टेम्परेचर टॉलरेंट होंगे, इनके एंजाइम भी हाई टेम्परेचर टॉलरेंट होंगे। तो इन्हीं में से एक बैक्टीरिया है जिस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, एक बैक्टीरिया है उसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। और इस बैक्टीरिया की एक खास बात क्या है, ये बैक्टीरिया का, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे रहता है, तो इसका जो पॉलीमरेज एंजाइम है, से यहां पर इसमें जो पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया के डीएनए को मल्टीप्लाई करने में मदद करता है, उसको हमने इस बैक्टीरिया के नाम पर शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको नाम दिया है टैग पॉलीमरेज। टैग मीन्स टी फ्रॉम थर्मस एंड ए क्यू फ्रॉम एक्वेटिकस पॉलीमरेज। इस खास इस यू नो पॉलीमरेज एंजाइम की खास बात क्या है, ये हाई टेम्परेचर पर डीनेचर नहीं करता। तो क्योंकि हम पीसीआर में डीएनए को सेपरेट करने के लिए हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम पॉलीमरेज एंजाइम थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया का पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं, जिसको हमने नाम दिया है टैग पॉलीमरेज। क्यों, क्योंकि ये पॉलीमरेज एंजाइम हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है, एंड हाई टेम्परेचर पर यू नो दिस डीएनए की पॉलीमराइजेशन करके डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। सी, सो दिस इज व्हाट इट इज रिटन, पॉलीमरेज लाइक टैग पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड बाय हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस। ठीक, सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ पीसीआर। पीसीआर में आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट का हम मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, बट यहां बनाएंगे लैब में, बट वी आर गोइंग टू रेप्लीकेट द प्रोसेस विच अकर्स इन आर बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लीकेशन।
डीएनए रेप्लिकेशन में काम आने वाले सारे चीजों को हम आर्टिफिशियली जुगाड़ करेंगे, हम आर्टिफिशियली यू नो प्राइमर्स का जुगाड़ करेंगे, न्यूक्लियोटाइड का जुगाड़ करेंगे, पॉलीमरेज का जुगाड़ करेंगे। पॉलीमरेज हम कैसा लेंगे, थर्मोस्टेबल लेंगे, जिसको हम थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से आइसोलेट करेंगे, जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर भी आपका फंक्शनल रहता है। ठीक है, द ओनली थिंग द एंजाइम दैट वी डोंट यूज इज हेलिकेज, बिकॉज हियर वी यूज टेम्परेचर टू यू नो सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। वंस योर सामान इज जुगाड, एक बार आपका सारा सामान का जुगाड़ हो गया, अब आप यू नो इसका मल्टीपल कॉपी बनाएंगे। एंड इस पीसीआर के तीन स्टेप होते हैं, फर्स्ट इज डीनेचरेशन, द सेकेंड इज एनिलीन एंड द थर्ड इज एक्सटेंशन। सो लेट अस सी हाउ वी एक्चुअली डू इट, देयर आर थ्री स्टेप्स, जस्ट सी दैट। फर्स्ट स्टेप इज डीनेचरेशन, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम। आपको जब भी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोर्ड में 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा टू डिस्क्राइब द प्रोसेस, वहां मार्किंग स्कीम में लिखा होता है ओनली डायग्राम इज ऑल्सो अलाउड। अगर बच्चा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता है, केवल डायग्राम बना देता है, तो भी फुल मार्क्स देने, प्रोवाइडेड इट इज अ कंप्लीट लेबल डायग्राम एज पर योर एनसीईआरटी। डायग्राम जरूर प्रैक्टिस कर लेना, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे यू नो नेम द एंजाइम दैट इज यूज इन पीसीआर, ठीक है, वॉट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक, वन ऑफ द एंजाइम इज टैक पॉलीमरेज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज थर्मोस्टेबल, आप किससे लेते हैं, तो थर्मोस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से लेते हैं, ठीक है, जो आपके हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है। सो दीज स्मॉल क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड। फर्स्ट स्टेप इज डीनेचरेशन, डीनेचर का आप जानते हैं मतलब क्या है, आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा है, जब आप हाई टेम्परेचर से बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज डीनेचरेशन। तो हमको पता है हमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना है, देखो एक है 5'3' एंड दूसरा है 3'5', वी नीड टू सेपरेट देम, सो वी आर गोइंग टू टेक इट टू हाई टेम्परेचर। हाउ मच हाई टेम्परेचर, इट विल बी समवेयर अराउंड 94 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने भूल से 98 बोल दिया था, इट शुड बी 94। So what will happen, the DNA will be heated to 94 degree, as a result what will happen, the hydrogen bond will break and the two strands will be separated and both the strands are now ready to act as template. So that is the first step, jisme aap DNA ke dono strands ko alag karte hain so that both of them are ready to act as template. So first you have known the first step, now the second step is aniline. Now, aniline में आप करते क्या है, एक बार आप यहाँ डायग्राम ही देखो, एक बार आपका डीएनए का स्ट्रैंड अलग हो गया, आपको यहाँ प्राइमर्स ऐड करना है टू द 5'3' एंड, क्योंकि आपको पता है नया डीएनए हमेशा 5'3' में बनता है, सो द टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, 3'5'3'5'। तो आप यहाँ नेक्स्ट डालेंगे प्राइमर्स, प्राइमर किसका बना होता है, शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, यहाँ आर्टिफिशियली सिंथेसाइज प्राइमर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन एनिलीन द ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स, छोटे छोटे ओलिगो, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड मीन्स दिस इज मोनो न्यूक्लियोटाइड, दो डालेंगे तो बाई न्यूक्लियोटाइड, 4-5 इज ओलिगो एंड बहुत सारा देन इट इज पॉली न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो आप तो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स ले रहे हैं, 3-4 के ले रहे हैं, तो इसको आप कहेंगे ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। ये किसका है, ये आरएनए का है, जिसको जो किसके दिस इज जिसको आप क्या बोलते हैं प्राइमर्स, दिस विल बी जॉइंट टू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल एट द 3' एंड, दिस इज परफॉर्म एट अ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर को 94 डिग्री से थोड़ा लोअर कर देते हैं टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड, आप थोड़ा सा इसको टेम्परेचर को लोअर कर देते हैं फॉर दिस एंटायर प्रोसेस, जिसमें आप प्राइमर को एड करते हैं, एक बार आपका सेपरेट हो गया। सो द नेक्स्ट दिस स्टेप इज कॉल्ड एज एनिलीन, एक बार आपने एनिलीन कर दिया, प्राइमर लगा दिया, अब नेक्स्ट क्या होना है, ऑब्वियसली एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब क्या है, आपका प्राइमर अटैच हो गया, ये आपका डीएनए का दोनों स्ट्रैंड है, आपने यहां भी प्राइमर अटैच कर दिया, देखिए प्राइमर यहां ऑरेंज कलर से दिखाए, अब आपको क्या करना है, बचे हुए न्यूक्लियोटाइड्स को यहां ऐड करना है ताकि आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनकर तैयार हो जाए, यू नीड टू ऐड, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। ठीक है, आप यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेंगे, अगर यहाँ पर ए है तो आप यहाँ टी जोड़ेंगे, यहाँ सी है तो जी जोड़ेंगे, आप जोड़ते चले जाएंगे ताकि आपके डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तैयार हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। नाउ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी कि डी न्यूक्लियो, देखिए न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या होता है, दीज आर न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड, सो आप किस न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर एड करेंगे, सी you are going to use deoxyribonucleotides, why, क्योंकि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं,
एट द सेम टाइम यू नीड एन एंजाइम कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पर जो पॉलीमरेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज योर टैग पॉलीमरेज. अब हम यहाँ पर टेम्परेचर ले आते हैं 72 डिग्री, बिकॉज ये 72 डिग्री पर अच्छे से काम करता है. ये पॉलीमरेज क्या करेगा, नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा, इसके नए स्ट्रैंड को और इसके नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा. दिस स्टेप इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन. दस द कॉम्प्लीमेंट्री यू नो स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड इज मेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन. अब आपने ये जो प्रोसेस किया अब आप इसको रिपीट करेंगे. रिपीट करने का मतलब क्या है, पहले यहां देख लो फिर मैं नेक्स्ट पेज में ले जाऊंगी. ये आपका एक स्ट्रैंड डीएनए का था, आपने इसके कॉपीज बना दिए, ठीक. अब एक से आपने दो बना दिया, अब आप फिर से इसको हीट करेंगे. द सेम प्रोसेस यू विल रिपीट, फिर आप इन दोनों और इन दोनों को सेपरेट करेंगे. तो अब आपके चार टेम्पलेट स्ट्रैंड बन गए, एक दो, ये वाला ब्लू, तीन चार. फिर आप इसमें सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे. सबसे पहले आप इसको हीटिंग करेंगे, ये चारों अलग हो जाएंगे. फिर आप इसमें क्या अटैच करेंगे, यू विल ऐड प्राइमर्स. इन सब में आप प्राइमर अटैच करेंगे, सॉरी आप इसमें प्राइमर अटैच करेंगे, राइट. वंस आपने यहाँ पर प्राइमर अटैच कर दिया, फिर आप इसमें पॉलीमरेज एंजाइम डालेंगे और ये पॉलीमरेज एंजाइम इसका एक्सटेंशन करेगा, ये इसका एक्सटेंशन करेगा. तो दो से कितना बना, चार. फिर आप इसकी हीटिंग करेंगे, फिर आप जब हीटिंग करेंगे तो अब यहां पर आठ टेम्पलेट स्ट्रैंड बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब आप आठों पे प्राइमर डालेंगे, आठ से कितना बनाएंगे, 16. एंड सो दिस कंटिन्यूज, दैट इज वाई वी कॉल एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ये चेन है, आपने एक डीएनए लिया, दोनों सेपरेट हुए, दोनों ने अपना अपना नया डीएनए बना लिया, एक से दो डीएनए बने, फिर आप दो से बनाएंगे चार, चार से बनाएंगे आठ. ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करेंगे और ये कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक आप पॉलीमरेज, क्योंकि जितने ज्यादा डीएनए बनेंगे बेटा, हर डीएनए को अपना पॉलीमरेज चाहिए ना. जब आपने शुरू में एक से दो डीएनए बनाया, ठीक है, आपने एक स्ट्रैंड के डीएनए को देखो अलग किया, आपको कितने पॉलीमरेज की जरूरत पड़ी, यू नीडेड टू पॉलीमरेज, वन फॉर दिस वन फॉर दिस. एक से दो बन गए, अब ये जो दो बने आप इनको सेपरेट करेंगे, अब चार बनेगा, तो आपको पॉलीमरेज चार चाहिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए. आठ बनाएंगे तो आठ पॉलीमरेज चाहिएगा. तो जब जब तक आप पॉलीमरेज डालते रहेंगे ये चेन रिएक्शन चलता रहेगा, यानी कि एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, जो एक से दो बनाने का स्टेप है उसी स्टेप से दो से चार बनेगा, चार से आठ बनेगा, आठ से 16 बनेगा. यहाँ पॉलीमरेज जब तक है तब तक ये चेन रिएक्शन चलता रहेगा. दिस कैन बी एम्प्लीफाइड, अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज इसकी बनाई जा सकती है. इस तरह से आपके डीएनए की 1 बिलियन कॉपी तक बना सकती है, प्रोवाइडेड यू हैव पॉलीमरेज टू फॉर एवरी डीएनए, आप पॉलीमरेज डालते रह सकते हैं, ठीक. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. वही आपके अगले स्टेप में लिखा है, फॉर स्टार्टिंग द नेक्स्ट साइकिल. अब आपका जैसे ही एक से दो बन गया बेटा, ये आपका एक था, आपने दोनों को सेपरेट किया, दोनों में प्राइमर लगाया, एक्सटेंड किया, ठीक. इससे क्या हुआ, आपका एक से दो बना. अब आप दो से क्या बनाएंगे, चार बनाएंगे, चार से क्या बनाएंगे, 16 बनाएंगे, ठीक. फॉर स्टार्टिंग द नेक्स्ट साइकिल अगेन यू विल स्टार्ट, पहले आप हीट करेंगे 94 डिग्री पे, ठीक. इससे क्या होगा, ये दोनों सेपरेट होंगे, उसके बाद आप उसमें प्राइमर ऐड करेंगे, न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे, एंड इस तरह से आपका ये मल्टीप्लाई करेगा. दिस इज फॉलोड बाय एनिलीन एंड एक्सटेंशन. ईच साइकिल में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है. इट इज पॉसिबल टू एम्प्लीफाई एंड मेड अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन टाइम्स और 1 बिलियन कॉपीज ऑफ द डीएनए सेगमेंट विद इन अ स्पैन ऑफ वेरी शॉर्ट टाइम. वन लिखा है विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है. इसीलिए इसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं. द एम्प्लीफाइड डीएनए सेगमेंट कैन नाउ बी यूज्ड टू ligate विद द वेक्टर एंड फॉर्म आर डीएनए. इस तरह से आपका इंसुलिन जीन का मल्टीपल कॉपीज बन गया, 1 बिलियन, 1 बिलियन, इतना बिलियन नॉर्मली बनाते नहीं है, वो मल्टीपल कॉपीज बन गया. अब ये जीन आपका रेडी है क्या चीज के लिए, वेक्टर में ऐड करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए रेडी है. आई होप आपको पीसीआर समझ गया आ गया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं एक बार एट अ ग्लांस दिखा दूं. सबसे पहले ये आपका डीएनए है, आप इसको डीनेचर करते हैं 94 डिग्री पे, बोथ द स्ट्रैंड्स आर सेपरेट, दिस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन. इसमें अब आप ऐड करते हैं प्राइमर, टैग पॉलीमरेज एंड न्यूक्लियोटाइड. आप न्यूक्लियोटाइड डालते हैं, प्राइमर डालते हैं, पॉलीमरेज, ठीक है. इस तीनों की मदद से ये एक डीएनए की दो कॉपी बन जाती है, ठीक है. यहां पर देखिए सबसे पहले प्राइमर अटैच होगा,
फिर पॉलीमरेज अटैच होगा और ये न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से एक से दो डीएनए बनाएगा। पहले साइकिल में एक से दो डीएनए, दूसरे में चार, फिर आठ, 16 एंड सो ऑन। जब तक आप पीसीआर करते रहेंगे तब तक डीएनए की कॉपीज आपकी बनती रहेगी। ठीक है, जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन द प्रोसेस इजिली, एक छोटा सा एनिमेशन है, मैं थोड़ा देर छोड़ दूंगी ताकि आप इसको देख सके। एनिलिंग एंड एक्सटेंशन आप स्टार्टिंग से देखेंगे। सबसे पहले देखो यहां पर एक टेम्परेचर वैरिएट दिखा था, डी नेचरेशन अकर्स एट 94 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, डी नेचर में क्या हुआ, दोनों स्ट्रैंड डीएनए के अलग हो गए। देन व्हाट विल हैपन, एनिलिंग टेक्स प्लेस एट 54 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, जिसमें देखो आपका आरएनए प्राइमर्स यहां अटैच हो गया और ये जितने डॉट्स है ना, दीज आर योर व्हाट, दीज आर योर न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो अब मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ। तो देखिए अब क्या हो गया, एनिलिन के बाद एक्सटेंशन देखिए 72 डिग्री टेम्परेचर पर होगा और ये पॉलीमरेज एंजाइम दिस विल एक्चुअली एक्सटेंड इट। इसको फिर से देखना, अभी मैं हर स्टेप को सीट एक्सटेंशन एंड देन फर्स्ट स्टेप डी नेचरेशन, एक बार मैंने रोक दिया। डी नेचरेशन अकर्स एट 94 डिग्री टेम्परेचर एंड डीएनए के बोथ द स्ट्रैंड्स दे सेपरेट। ठीक, ये कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज द प्राइमर, व्हाट इज दिस, दिस इज द टैग पॉलीमरेज। सो यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन डी नेचरेशन। हो गया, द सी द डीएनए का नाउ एनिलीन, यू नो दैट एनिलीन अकर्स एट हाउ मच टेम्परेचर, 54 डिग्री, जिसमें आपका क्या अटैच करेगा, प्राइमर्स अटैच करेगा एंड प्राइमर अटैच करने के बाद ये एक्सटेंशन होगा। सो नाउ एक्सटेंशन दिस विल हैपन एट 72 डिग्री एंड दिस पॉलीमरेज विल फॉर्म न्यू डीएनए। अब ये पीसीआर का प्रोसेस आपको एकदम कंप्लीटली क्लियर हो गया है। पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वी कॉल इट एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वाई, बिकॉज जब तक आपके पास मीडियम में पॉलीमरेज है, दिस विल वर्क एज अ चेन रिएक्शन, जहां एक से दो, दो से चार, चार से आठ एंड सो ऑन डीएनए आपका बनता रहेगा। इट हैज थ्री बेसिक स्टेप, फर्स्ट इज डी नेचरेशन, दिस बाई यू नो टेकिंग द डीएनए टू 94 डिग्री टेम्परेचर, बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड बाई ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट इज एनिलीन, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज प्राइमर्स, दे आर एडेड टू द थ्री प्राइम एंड ऑफ बोथ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। Next is extension, tag polymerase enzyme will pick up the nucleotides and extend the strands. ठीक, so this is about your PCR. एक बार अब हमारा step क्या क्या हो चुका है, एक बार हम revise कर लें। हमने पहले सबसे पढ़ा, अगर हम steps को देखें, सबसे पहले हमने cell को तोड़ा। ठीक, we did fragmentation, हमने cell को तोड़ा and cell में से हमने क्या निकाला, हमने cell में से chromosome निकाला। क्रोमोसोम क्या चीज का बना हुआ था, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। हमने आरएनए एंड प्रोटीन को हटाया बाय यूजिंग एंजाइम आरएनएज एंड प्रोटीनेज, इन दोनों को हमने हटाया सच दैट हमारा डीएनए सेपरेट हो गया। वंस दिस डीएनए इज सेपरेट, वी कट इट विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सिमिलरली हम वेक्टर को भी निकालते हैं एंड इसको भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं। काटने के बाद हमारे डीएनए की हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड एज पीसीआर। उसके बाद ये दोनों डीएनए को हम जोड़ते हैं, नाउ दिस इज माय वेक्टर डीएनए एंड दिस इज माय ओन डीएनए। जब हम जोड़ते हैं इससे हमारा क्या बनता है, आरडीएनए बनता है। ठीक है, ये आरडीएनए, राइट। तो हम यहां तक के स्टेप्स आज आपको बता दें, इससे आगे वाला आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो जस्ट सी दिस, वंस यू हैव मेड योर आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक स्टेप और बता दें, दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए नाउ नीड्स टू बी सेंड टू द होस्ट। इसको आपको होस्ट के अंदर डालना है। आप कैसे डालेंगे, कल ही मैंने पढ़ाया, आइदर बाय शॉक ट्रीटमेंट दैट इज 0 डिग्री, 42 डिग्री एंड 0 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम डाइवेलेंट आयंस, या अगर प्लांट सेल है तो यू विल यूज बॉयलिस्टिक गन मेथड, और एनिमल सेल है तो आप डायरेक्ट माइक्रो इंजेक्शन से डीएनए को न्यूक्लियस में डाल सकते हैं, राइट। सो बोथ डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मतलब आई टोल्ड यू डायरेक्ट में क्या, आप डायरेक्टली डाल रहे। डायरेक्ट मेथड इंक्लूड्स माइक्रो इंजेक्शन एंड जीन गन मेथड। द जीन गन मेथड, दिस इज इन केस ऑफ प्लांट्स एंड दिस इज इन केस ऑफ एनिमल्स, या इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मतलब शॉक ट्रीटमेंट या डिसआर्म्ड पैथोजेंस की मदद से आप अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डाल सकते हैं। एक बार आपने डिजायर्ड जीन को होस्ट में डाला तो आप नॉर्मली कहां डालेंगे, आप सिलेक्टेबल मार्कर एरिया में डालेंगे, जो कॉमन मार्कर एरिया जिसमें आप अपने जीन को डालते हैं, दैट इज योर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एरिया। ऐसा डालने से होगा क्या, जो बैक्टीरियल सेल है वो जिसमें आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है वो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट तो होगा,
the transformed cell will be able to grow in ampicillin while the non-transformed ampicillin में मर जाएगा. उसके बाद आप इसको tetracycline में grow करेंगे, जिससे आप किसको identify करेंगे, recombinant and non-recombinant को करेंगे. अगर आपको bacteria को बिना मारे जानना है, तब आप यहाँ पर tetracycline resting gene के जगह क्या use करेंगे? कल ही बताया मैंने, आप क्या use करेंगे? Z gene use करेंगे, जो beta galactosidase बनाता है. इस तरह से हम अपने desired DNA को किसमें डाल देते हैं? Bacteria में डाल देते हैं, and वैसा बैक्टीरिया जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और जिसके अंदर आरडीएनए गया है, हम उस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. एक बार हमने उस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर दिया, हम बचे हुए को एलिमिनेट कर देते हैं. अब इसकी हम मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे ताकि मेरे डीएनए की भी मल्टीपल कॉपीज बन जाए और इस बैक्टीरिया में हम अपने जीन को एक्सप्रेस करेंगे ताकि मेरा जीन प्रोडक्ट बन सके. ये हम बैक्टीरिया की कैसे मल्टीपल कॉपीज बनाते, कैसे उसमें अपने जीन को एक्सप्रेस कराते हैं और कैसे यू नो अपने डिजायर प्रोटीन को आइसोलेट एंड प्यूरिफाई करके मार्केट करते हैं, दीज स्टेप्स आई विल टीच यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर. ठीक, तो आज मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ स्टेप्स बताए, हाउ टू ब्रेक द सेल, हाउ टू टेक आउट द क्रोमोजोम, हाउ टू प्यूरिफाई द क्रोमोजोम एंड टेक आउट योर डीएनए, हाउ टू कट द डीएनए, हाउ टू मेक यू नो सेपरेट द डीएनए यूजिंग एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाउ टू then make multiple copies of that gene with the help of PCR, then how do you add your gene of interest into the vector to make recombinant DNA, where you will add in the region of selectable marker. Why? So that you know you can distinguish the non-transformant from transformant and recombinant from non-recombinant. Once this is done, you will introduce your recombinant DNA into the bacteria. यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया. अब इस बैक्टीरिया की मल्टीपल कॉपीज कैसे बनाएंगे, कैसे हम अपने जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, कैसे हम अपने जीन को एक्सप्रेस करेंगे, कैसे उस जीन से हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, कैसे उस प्रोडक्ट को हम आइसोलेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, मार्केट करेंगे, इन माय नेक्स्ट लेक्चर. उससे पहले जितना पढ़ाएं वेरी क्विकली वी सी इट इन द एनसीईआरटी. सो ओपन पेज 201 ऑफ योर एनसीईआरटी, यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. यहाँ पर लिखा हुआ है और कहता है द एंटायर इट हैज सेवरल स्टेप्स. राइट, सबसे पहला आइसोलेशन, देन फ्रैगमेंटेशन, देन आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, देन लाइगेशन फॉर्मिंग बाय पुटिंग इट इनटू द वेक्टर, देन इस रिकॉम्बिनेंट को हमको होस्ट में डालना है, होस्ट में उसको कल्चर करना है ताकि हम उसको लार्ज स्केल में बना सके, देन एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट. सो द फर्स्ट स्टेप एज यू कैन सी इज आइसोलेशन. मैंने आपको आइसोलेशन पढ़ा दिया. आइसोलेशन में आप करते मैंने आपको बताया, पहले आप सेल वॉल तोड़ेंगे. अगर बैक्टीरिया का है तो लाइसोजाइम, प्लांट का है तो सेलुलेस, फंजाई का है तो काइटिनेस. उसके बाद जो आपका क्रोमोसोम है उसमें से आप डीएनए को हटाएंगे विद द हेल्प ऑफ यू नो राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, सॉरी आरएनए को हटाएंगे बाय आरएनएज एंजाइम, प्रोटीन को हटाएंगे बाय प्रोटीनेज एंजाइम. उसके बाद आप उसमें चिल अल्कोहल डालेंगे एंड अल्कोहल डालने के बाद ये ऐसे सस्पेंड कर जाएगा एंड स्पूलिंग, स्पूलिंग वर्ड यहां लिखा है डायग्राम, स्पूलिंग वर्ड आपका थियरी में लिखा है. बाय द प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग आप इसको बाहर निकालेंगे, तो आइसोलेशन हो गया. उसके बाद आप डीएनए को कट करेंगे. एक बार आपका डीएनए निकल गया, अब आप इस डीएनए को कट करेंगे. नाउ कटिंग विल बी डन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के एक्टिविटी को हम लोग चेक करेंगे, राइट, विद द हेल्प ऑफ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो ये एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा प्रिंसिपल बता रहा है. इस तरह से आपका डीएनए निकल गया. एक बार आपने डीएनए को काट दिया, वेक्टर डीएनए को भी काट दिया विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. ठीक, नाउ द कट जीन एंड द कट वेक्टर दे आर मिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज सो दैट योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज रेडी. नाउ इस रिकॉम्बिनेंट, इससे पहले हम उसकी कॉपी बनाए, हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज, सॉरी इससे पहले हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए, हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं बाय पीसीआर. देखिए ये जो डायग्राम मैं पढ़ा रही थी, दिस इज गिवन हियर, और इसके पूरा प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का जिक्र है. ये हाई टेम्परेचर पर भी इसका एंजाइम काम करता है और इसको हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं. ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिख, पर मैं बता दूं, एक क्वेश्चन भी आएगा, आपकी टीचर भी पूछेगी. इसको हम कहते हैं टैग पॉलीमरेज, इस पॉलीमरेज को, एंड हम इससे यू नो जब तक हमारे पास पॉलीमरेज एंजाइम है हम इसकी 1 बिलियन कॉपी तक बना सकते हैं. उसके बाद मैंने यहां तक आपको पढ़ाया है,
अब आप इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसमें डालेंगे? होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म में डालेंगे। आप पहले होस्ट को कंपीटेंट बनाएंगे, कंपीटेंट करने का तरीका कल मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद आप ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानेंगे कैसे? बाय यूजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स एंड एंटीबायोटिक्स, दीज एक्ट एज सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, आपने अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डाल दिया है। अब उस होस्ट में आप अपने डीएनए की कैसे मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे एंड अपने जीन प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे इन माय नेक्स्ट लेक्चर। सो विद दैट वी हैव एक्चुअली लर्न्ड सम ऑफ द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी। आई होप आपको समझ में आ गया। इफ इट रियली हेल्प्ड यू, प्लीज डू यू नो शो इट विद द हेल्प ऑफ दैट लाइक बटन, उसको प्रेस करिए, पुट योर कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू, एंड इतने को पढ़कर रखिए। इन माई नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द रिमेनिंग स्टेप्स। टिल देन गुड लक एंड गुड बाय।